हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले फोन पे में। अगर आप फोन पे तो फोन पे में कैसे आप प्राइमरी अकाउंट नंबर सेट कर सकते हैं। अब ये प्राइमरी अकाउंट नंबर क्या है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। बस मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं, अगर आपके फोन पे में दो बैंक अकाउंट लिंक है, आप कौन से बैंक अकाउंट में पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, यानी कोई अगर पेमेंट भेज रहे हैं आपको, आप कौन से फोन पे यानी कौन से अकाउंट में पेमेंट रिसीव करने वाले, आप कैसे सेट कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। काफी सारा फ्रेंड मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किए थे कि भाई ये भी बताइए कि हम प्राइमरी अकाउंट नंबर कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए कंप्लीट बात करने वाले हैं कि आप अपना प्राइमरी अकाउंट नंबर कैसे सेट कर सकते हैं फोन पे में। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, अगर आपको भी जानना है तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप देखकर उस लिंक को क्लिक करके हम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफी सारा अपडेट जानकारी, नया अपडेट जानकारी हम पहले वहां पर देते हैं। अभी बात करेंगे फोन पे में, तो हम फोन पे पे जाएंगे और फोन पे में आपको पूरा लाइव करके बताएंगे कि कैसे आप प्राइमरी अकाउंट को सेट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्राइमरी अकाउंट के बारे में बात करते हैं। सोच लीजिए आप फोन पे यूज करते हैं और आपका जो नंबर पे फोन पे लिंक करके रखे उसी नंबर पे आपका दो बैंक अकाउंट है, तो दोनों बैंक अकाउंट आप अपना फोन पे में लिंक करके रखें। मगर आप चाहते हैं कि जैसे दो बैंक अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट ए है और एक बैंक अकाउंट बी है, आप चाहते हैं कि आपका बी में अकाउंट नंबर में हर जो भी कोई पैसा भेजते आपको फोन पे में तो आपका बी अकाउंट नंबर पे ही रिसीव हो, तो उसका आपको सेट करना है। कैसे सेट करेंगे वो हम बताते हैं। तो चलिए हम पहले फोन पे को ओपन करते हैं। जैसे फोन पे को ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर प्रोफाइल सेटिंग आपको दिख रहा होगा, प्रोफाइल सेटिंग में चलते हैं। जैसे आप प्रोफाइल सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पर अकाउंट के आपको अकाउंट बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको बैंक अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप बैंक अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक करें, आपका जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होगा वो सारे बैंक अकाउंट आपको दिखाई देगा। देखिए जैसे मेरा एक दो बैंक अकाउंट लिंक है, एक कनाडा बैंक का और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो दो बैंक अकाउंट मेरा लिंक है। अभी ये कनाडा बैंक का प्राइमरी अकाउंट सेट किया हुआ है, यानी कोई भी फोन पे में मुझे पेमेंट भेजेगा तो कनाडा बैंक में ही रिसीव होगा। मगर मैं अभी चाहता हूँ मैं कनाडा बैंक में रिसीव ना करके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में रिसीव करूँ, तो कैसे रिसीव कर सकता हूँ वो हम बात करेंगे। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम होगा और आपका एक बैंक अकाउंट लिंक है तो जाहिर सी बात है उसी बैंक अकाउंट में आपका पेमेंट रिसीव होगा, आप चेंज नहीं कर सकते। मगर आपका एक से ज्यादा बैंक अकाउंट लिंक है तो आप कोई भी बैंक अकाउंट को यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट यानी पेमेंट रिसीव करेंगे सेट कर सकते हैं। चलिए मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट सेट करना है। अगर आपका तीन चार बैंक अकाउंट लिंक है, जो भी बैंक अकाउंट का प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट करना है, आप उसको ओपन करिए। सेट एज प्राइमरी, सबसे ऊपर सेट एज प्राइमरी का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पे जो डिब्बा है उस पे टिक करिए। जैसे टिक करेंगे और ओके कर देंगे, देखिए ये आपका प्राइमरी अकाउंट सेट हो गया। अभी हम चलेंगे बैक और जैसे बैक चलेंगे देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अभी हमारा प्राइमरी अकाउंट हो चुका है आपके सामने। अभी जो भी पेमेंट भेजेगा हमें, जो भी हम फोन पे में पेमेंट भेजेगा वो डायरेक्टली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आएगा, क्योंकि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को प्राइमरी अकाउंट सेट कर चुका हूँ। बिल्कुल आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप दो तीन चार जितना भी बैंक अकाउंट लिंक है तो वो बैंक अकाउंट से आप कौन सा बैंक अकाउंट प्राइमरी अकाउंट सेट करना चाहते हैं बेशक आप जाके वहां पे सेट कर सकते हैं। अभी देखिए आप चाहते हैं प्राइमरी बैंक अकाउंट सेट करना चेंज करना तो बेशक ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। अगर आप फोन पे के बारे में, गूगल पे के बारे में, ऐसे कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो बस मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा उसी सेटिंग का या उसी एप्लीकेशन का डिटेल्स बताने के लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर से क्लिक करिए।